1988 में आई फिल्म विजय के जरिए यश चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नए चेहरे से मिलवाया और ये नया चेहरा था हीरोइन सोनम का। सोनम की उम्र उस वक्त महज 14 साल की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1989 में आई फिल्म त्रिदेव से। न सिर्फ ये फिल्म हिट रही बल्कि इसका गाना तिरछी टोपी वाले भी खूब हिट रहा और तो और सोनम की पहचान भी ओए ओए गर्ल की बन गई। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया और फिर फिल्म त्रिदेव के निर्देशक राजीव राय से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। 1992 में दोनों की शादी हुई, लेकिन बाद में अंडरवर्ल्ड से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी की वजह से सोनम और उनके पति ने भारत छोड़ दिया और विदेश जाकर बस गए। कुछ सालों तक ये कपल लॉस एंजेलिस में रहा, इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिर कुछ सालों पहले वापस मुंबई आ गया। लेकिन यहां आने के बाद सोनम और उनकी शादीशुदा जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मची कि सोनम का अपने पति से तलाक हो गया। साल 2001 से सोनम अपने पति से अलग रह रही है। फिल्मों में काम करने के दौरान सोनम की छवि एक सेक्स सिंबल की रही और कई फिल्मों में उन्होंने बोल्ड भूमिकाएं अदा की। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी उनकी केमिस्ट्री को काफी सराहा गया।